गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो ना टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3. सो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दी गई है और उसे हमें डिवाइड करना है x माइनस a से. सो उसके लिए देखिए हमने क्या किया है. सबसे पहले हमें x क्यूब चाहिए, तो x को हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x क्यूब मिल जाएगा, है ना. फिर उसी a को उसी x स्क्वायर को हम लोग a से भी करेंगे, सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर आ गया. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कर गया और ए स्क्वायर भी कर गया. देन सिक्स एक्स माइनस ए को हमने नीचे ले लिया. फिर हमने क्या किया कि हमें सिक्स एक्स चाहिए, तो ऊपर हमने प्लस सिक्स कर दिया ताकि एक्स को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें सिक्स ए प्लस में मिले. देन माइनस ए के साथ में माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और सिक्स ए का सिक्स ए हो जाएगा. सो सिक्स एक्स कट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन माइनस लग जाएगा. और जहाँ जहाँ तक एज ए है, सो ए के साथ में माइनस है और सिक्स ए के साथ में भी क्या है, माइनस है, पर ऑपोजिट साइन प्लस हो जाता है, सो माइनस प्लस माइनस हो गया. तो सिक्स ए में से ए गया तो कितना रह गया, फाइव ए. पर आंसर में माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि जो सिक्स ए है उसके साथ में प्लस का साइन है और वो बड़ा है, इसलिए बड़े नंबर का साइन ही हमेशा आता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन वी हैव दैट चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x. हमें इसमें ये देखना है कि जो 7 + 3x है वो 3x³ + 7x का फैक्टर है कि नहीं है. तो देखिए जो सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या किया है कि लेट अस डिवाइड 3x³ + 7x / 7 + 3x. हमने इस इक्वेशन को 7 + 3x से डिवाइड करना है. अगर रिमाइंडर है वो जीरो आता है तो ये इस इक्वेशन का फैक्टर है, अदरवाइज वो इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है. सो देखिए अब यहाँ पे नीचे क्या है, 3x³ है. सो 3x को एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x³ मिलेगा. ओके, देन इसी एक्स स्क्वायर को हम लोग 7 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7x² मिलेगा. सो दोनों के साथ में जो साइन है वो प्लस का है, तो दोनों के साथ में जो ऑपोजिट साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा. तो 3x³ और 3x³ कट हो जाएंगे. तो अब 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7x² ही आएगा. पर क्योंकि 7x² के साथ में माइनस का साइन है इसलिए आंसर में भी क्या आया, माइनस आया. देन 7x को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया. उसके बाद हमें 7x² चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x को 7/3x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3 और 3 कट जाए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 7x² रह जाएगा. पर क्योंकि नीचे यहाँ पे माइनस में 7x² है इसलिए हमने ऊपर भी 7/3x के साथ में क्या ले लिया, माइनस ले लिया. देन वही 7/3x 7 के साथ में मल्टीप्लाई भी होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 49/3x आ गया. तो 7x² कट हो जाएगा और 49/3x के साथ में माइनस का साइन है, सो नीचे उसका ऑपोजिट साइन लग जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो 7 और 49/3 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 70x/3. अब हमें 70x/3 चाहिए, तो 3x को हम लोग 70/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 3 जब 9 से डिवाइड हो तो नीचे क्या रह जाए, 3 रह जाए. तो आ जाएगा 70x/3 प्लस, और वही 70/9 है वो 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, सो आंसर कितना आ जाएगा, 490/9. सो 70x/3 और 70x/3 तो कट हो जाएंगे तो आंसर क्या रह जाएगा, 490/9 विद माइनस साइन. सो इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है, ये हमारी एक्सरसाइज रिवीजन की यहीं पे ख़त्म होती है. नेक्स्ट स्टूडियो में हम लोग नेक्स्ट रिवीजन के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. टिल देन थैंक यू. अब देखिए हमारा जो एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज थी 3.3 वो रह गई थी, इसमें दो ही क्वेश्चन थे, तो रिवीजन के साथ हम लोग इसे ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा जो सिलेबस है, फिर से बता रही हूँ आपको, हमारा जो सिलेबस है वो 2.2 से लेकर होल थर्ड चैप्टर है. ठीक है, 2.2 से लेकर थर्ड चैप्टर पूरा आएगा. सो अब आज हम लोग रिवीजन के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज. सो क्वेश्चन 1 है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई, कि हमें जो क्वाड्रेंट दिए गए हैं वो कौन सी एक्सिस पे लाई करेंगे और कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे. तो हमें उसे दिखाना है कार्टेशियन प्लेन पे. हमारे जो पास को जो कोऑर्डिनेट्स वो है -2, -4, -3, -1, -0, देन -1, -2, -3, -5. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ये हमें दिखाने कि ये कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे और कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे. तो देखिए अब यहाँ पे जहाँ तक बोला गया है, सो हमारे पास हमने क्या किया है, एक ग्राफ, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है जिसमें एक्स एक्सिस है उसमें राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है. वैसे ही जो वाई एक्सिस है उसमें ऊपर की साइड में पॉजिटिव है और नीचे की साइड में नेगेटिव है. एक्स एक्सिस कौन सी जो हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस कौन सी जो वर्टिकल है. सो अब हम देखिए जो वाई एक्सिस है उस पर दिया गया है 1, 2, है ना. तो 1, 2 मतलब क्या हो गया, जो ये वाला जो है एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव 1 है वो, और वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव 2 है वो हो गया 1, 2. देन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है -2, 4. सो यहाँ पे -2 किसका हो गया, एक्स एक्सिस का नेगेटिव -2 हो गया और वाई एक्सिस का 4 हो गया. देन थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है -3, -5. सो वाई एक्स एक्सिस का -3 हो गया और वाई एक्सिस का -5
फाइव हो गया, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। एज इट इज़ जो हमारे पास नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हो गया हमारा थ्री, यानी कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव थ्री और माइनस वन हो गया वाई का नेगेटिव। सो इस तरीके से हमें फोर कोऑर्डिनेट्स है वो मिल गए और हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से क्वाड्रेंट में। तो देखिए, वन कॉमा टू फर्स्ट में हो गया, माइनस टू कॉमा फोर सेकेंड में हो गया, माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव थर्ड में हो गया, एंड थ्री कॉमा माइनस वन फोर्थ में हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। सो इसमें बोला गया है कि हमें जो एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए, जो पॉइंट्स दिए गए, उससे हमें एक कार्टेशियन प्लान भी दिखाना है। जैसे अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो पॉइंट्स वो मतलब दिखाए थे, शो किए थे कि कौन सा कोऑर्डिनेट में आ रहा है, वो जो ग्राफ बनाया था पूरा, वैसे ये जो हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इसे भी हमें वैसे कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है और ये बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स वो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं। तो देखिए, पहला है कि वन कॉमा थ्री है, सो वन तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव हो गया और थ्री वाई एक्सिस का हो गया, इसीलिए हो गया वन कॉमा थ्री। दैन सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखिए, दो पॉइंट से पहला हो गया माइनस कॉमा सेवन, माइनस वन कॉमा सेवन, सो माइनस वन हो गया एक्स नेगेटिव का और सेवन हो गया वाई पॉजिटिव का, ठीक है। देन उसी के ऊपर है माइनस टू कॉमा एट, तो माइनस टू हो गया एक्स नेगेटिव और एट हो गया वाई पॉजिटिव का सेकेंड कोऑर्डिनेट में। देन थर्ड कोऑर्डिनेट है जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस हो गया जीरो और माइनस वन पॉइंट टू फाइव वो वाई नेगेटिव में हो गया, माइनस वन पॉइंट टू फाइव वन और टू के बीच में। देन फोर क्वाड्रेंट जो है उसमें बोला गया कि थ्री कॉमा माइनस वन है, ठीक है, तो थ्री यानी कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और माइनस वन यानी कि वाई का नेगेटिव माइनस वन। सो इस तरीके से जो पहला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का होता है, जो सेकेंड पॉइंट है वो वाई एक्सिस का होता है। सो इसी तरीके से हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये भी ख़त्म हुई और ये थर्ड चैप्टर भी ख़त्म हुआ। मैं आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो 2.2 से लेकर पूरा थर्ड चैप्टर है, 1 पॉइंट नहीं है। 1 पॉइंट जो था वो गलती से बाय मिस्टेकन आपको आ गया है, पर जो आपका सिलेबस है मैथ्स का 9th स्टैंडर्ड का, वो 2.2 से लेकर थर्ड चैप्टर पूरा आएगा। दिस इज़ दी सिलेबस ऑफ FA2 एग्ज़ाम्स। थैंक यू।